नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। जिले के दलौदा थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक नाबालिग लड़की के साथ वर्ग विशेष के युवकों द्वारा छेड़छाड़ कर मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वर्ग विशेष के युवकों द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दलौदा थाने का घेराव कर तुरंत कार्रवाई की मांग की। करीब 4 घंटे तक चले हंगामे के बाद भीड़ ने नगर में दलौदा बंद के आह्वान को लेकर बाइक रैली की। मामले में एसएसपी गौतम सोलंकी ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। नाबालिग किशोरी ने 5 लोगों के नाम बताए हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दलौसा निवासी एक नाबालिग किशोरी को वर्ग विशेष के लड़के शाम करीब 5 बजे बहला फुसलाकर अपने साथ नगर की एक सुनसान कॉलोनी में ले गए, जहां उनके द्वारा लड़की से मारपीट की गई। इनमें कुछ नाबालिग भी शामिल है। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन हितेश राठी सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और किशोरी को आरोपियों के चंगुल से छुड़वा कर थाने ले गए। साथ ही मौके पर मौजूद आरोपियों को भी थाने ले जाया गया। कुछ आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। इधर सूचना मिलने पर हिंदू नेताओं ने अधिकारियों से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। घटना को लेकर सोमवार को दलौदा बंद का आह्वान भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है। वहीं पूरे मामले में दलौदा थाना प्रभारी बलदेव सिंह चौधरी की भारी लापरवाही दिखाई दी। मामला शाम 5 बजे के लगभग थाने में पहुंच गया था, लेकिन रात 8:30 बजे तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। थाने पर कोई महिला सब इंस्पेक्टर नहीं होने की वजह से रात 8 बजे तक FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके चलते मौके पर एकत्रित लोगों ने आक्रोशित होकर नारेबाजी भी की है। वहीं सूचना पर ASP गौतम सोलंकी, SDOP कीर्ति बघेल, शहर कोतवाली TI किशोर पाटनवाला, YD नगर थाना TI संदीप मंगोलिया सहित पुलिस बल दलौदा थाने पहुंचा। हिंदू संगठन के आक्रोश और मामले को देखते हुए नगर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। वहीं ASP गौतम सोलंकी ने आगे बताया कि किशोरी की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आगे जैसे ही तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। अब खबर सामने आ रही है कि मिली जानकारी के अनुसार रविवार रात में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। सोमवार को सुबह दलौदा में अलग अलग जगह बने इनके मकानों के अवैध हिस्से को बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर दिया गया। दोपहर 12 बजे यह कार्रवाई पूरी हो गई। इस दौरान मल्हारगढ़ SDOP नरेंद्र सोलंकी, मंदसौर ग्रामीण SDOP कीर्ति बघेल, तहसीलदार सहित प्रशासन और पुलिस का अमला मौके पर मौजूद रहा।